इस क्वेश्चन में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल एक तरह से एक एक्सप्रेशन दी गई है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। तो डायरेक्ट तो कोई फार्मूला है नहीं, तो क्या किया जाए यहाँ पे, या तो सब्सटीट्यूशन सोचेंगे कि कुछ सब्सटीट्यूशन कर दिया जाए। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर होता है, और वो फिर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी ए माइनस बी दो ब्रैकेट प्रोड्यूस करेगा, और उनमें से एक ब्रैकेट तो ये पड़ा हुआ है कैंसिल हो जाएगा, फिर जो सिस्टम बचेगा वो बड़े आराम से इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो देखिए दैट इज साइन स्क्वायर को हम लिख दे रहे हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है आपका वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और इसको फैक्टराइज करके लिख देंगे आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से, दैट इज वन प्लस कॉस एक्स टाइम्स वन माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा दी, वन प्लस कॉस एक्स। तो ये वन प्लस कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा वन प्लस कॉस एक्स से, आपका बचेगा इंटीग्रल ऑफ वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब चूंकि जो इंटीग्रेशन होता है लीनियर ऑपरेटर होता है, तो ये क्या करेगा, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेगा, तो दैट इज वन डी एक्स एंड माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, और वन का क्या होता है आपका एक्स होता है, और कॉस का क्या होता है साइन एक्स होता है, प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, दैट इज योर फाइनल आंसर।